एक बात पूछनी थी, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हमें फॉलो करते हो या नहीं करते? क्योंकि अगर करते हो तो ये वीडियो का टाइटल और ये अचानक से आज आउट ऑफ द शेड्यूल व्लॉग क्यों आ रहा है ये आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। अगर नहीं करते तो आप लेट हो भाई, जल्दी से जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एनीवेज, आज का स्पेशल व्लॉग स्पेशल दिन के लिए, क्योंकि आज है, पहले सांगू ना माझ्या बद्दल, सांग आज है मेरा जन्मदिन। और इसको परमिशन क्यों लेनी पड़ी ये भी बताता हूँ, क्योंकि आज ही है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी। बर्थडे के दिन ये गिफ्ट मिला था मुझे, मतलब अभी इसको अच्छा गिफ्ट बोलूँ बुरा गिफ्ट बोलूँ पता नहीं, 4 साल हो गए शादी को। बट आज व्लॉग बनाने का मकसद कुछ और है। ऑफकोर्स इट्स माई बर्थडे, इट्स आर एनिवर्सरी, वी आर सेलिब्रेटिंग इट, बट दिस व्लॉग इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेशन। एक्चुअली एक खुद के लिए गिफ्ट बनाया है हमने, 8 दिन से मेहनत चल रही है, तो वो भी आपको दिखाना है कि क्या है वो गिफ्ट, क्योंकि आज से आगे आपको हमेशा वो दिखने वाला है। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंडली, देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तो वो अनाउंसमेंट यहाँ बैठ के नहीं करेंगे लेकिन, और व्लॉग ओपन भी यहाँ बैठ के नहीं करेंगे। उसके लिए ना पहले वो गिफ्ट देखते हैं क्या है, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर, वी इनवाइट यू टू जॉइन आवर जर्नी कॉल्ड ट्रैवल लाइफ। यू कैन डू दैट बाय सिंपली क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर फ्यूचर वीडियोस। एंड टू कीप इन टच विद अस इन रियल टाइम, अभी अभी बताया 1 मिनट पहले क्या करना है, फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, द हैंडल्स आर फ्लैशिंग राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। सो ऑन बर्थडे 26th ऑफ नवंबर, दिस इज द गिफ्ट टू आवर सेल्फ। ये बर्थडे गिफ्ट नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली एनिवर्सरी गिफ्ट है, क्योंकि ये दोनों ने मिलके बनाया है। इसमें बहुत सी मेहनत प्रियंका के भी है, बहुत से आइडियाज उसके भी है, बट अभी प्रियंका मिसिंग है। लग रहा है ऐसा? थोड़ा बहुत लग रहा है ना? आपको पता है गर्ल्स की एक आदत होती है, कहीं भी फोटो निकालने जाओ अपने आप गर्ल्स पहुंच जाती है। अभी यहाँ भी वही होने वाला है, हम एक फोटो खींचेंगे और अपने आप प्रियंका आ जाएगी फ्रेम में। देखना है जादू? ये देखो। कहाँ से आई पता नहीं, ऐसे ही मेरी जिंदगी में भी आ गई है, कहाँ से आई पता नहीं, क्यों आई। और वो जो बाद में बोल रहा था कि ये अच्छा गिफ्ट है या बुरा वो पता नहीं, लेकिन जो है वो है, हाँ, अब क्या ऑप्शन कर नहीं है, सकता अभी है क्या कोई। कर सकते हैं, इसको लेके ही जिंदगी भर चलना है, काउंटिंग किलोमीटर्स। मुझे भी बट पता है इसके बारे में भी कुछ लिखा है किसी ने, ये पढ़ो ये पढ़ो, लाइफ बिगिन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेरे लिए था ऑफ कोर्स, और मैंने ही लिखा है वो। एनीवेज, दिस इज द ऑल न्यू व्लॉगिंग सेटअप ऑफ काउंटिंग किलोमीटर्स। ये व्लॉग डेस्क आप बोल सकते हैं इसको, इसको काउंटिंग किलोमीटर्स का अपना एक ऑफिस बोल सकते हैं आप। सो अब से आगे जितने भी व्लॉग्स हम इंडोर बनाएंगे, अपने घर में बैठ के बनाएंगे, उसमें आपको ये सेटअप दिखेगा। तो सबसे पहली बात, ये कैसा लग रहा है बताओ, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ, अगर कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ सजेशंस है, फीडबैक्स है वो बताओ। सो देखेंगे धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे इसको, बट अभी के लिए दिस इज वॉट वी हैव गॉट नाउ। इट्स रियली अमेजिंग, 8 दिन इसके पीछे मेहनत चल रही है, आई एम रियली हैप्पी विद द आउटकम, बहुत सही बन के आया है। वैसे ये तो आपने देखा जो प्रियंका के लिए लिखा था, और प्रियंका ने लिखा था वो आज के दिन के लिए स्पेशल था। आगे आगे हर एक व्लॉग के कॉन्टेक्स्ट में वहां पे आपको अलग अलग चीजें लिखी हुई देखने मिलेंगी। सेकेंडली, थोड़ी सी तिकड़े से रखना, जागा भी मागता दाखो। सेकेंडली, दिस इज ऑल द अर्निंग्स, स्पेशली बाइक राइड करते वक्त पूरे इंडिया में जहां जहां भी घूमा हूं, जहां जहां भी हम दोनों साथ में घूमे हैं, जहां मैं अकेला घूमा हूँ, जितने भी राइडर्स से क्लब से मिला हूँ, उनके एज अ मेमोरी वो बैजेस देते हैं। सो दीज आर ऑल द बैजेस, आपको जितने दिख रहे हैं उससे नीचे भी है जमीन तक, वो आपको दिखेंगे नहीं कभी, दिखाऊंगा बाद में फोटोज में। और मेरे बैजेस तो इसमें ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, अभी ये दोनों का एक साथ है ना, ऑफकोर्स काउंटिंग किलोमीटर्स इज वन फॉर बोथ, पूरा सेपरेट पाइजेगा चैनल। चैनल नहीं, बैजेस बैजेस जैसा। हाँ, तो इसके बैजेस ना दूसरे रूम में लगा देंगे।
इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं. इट्स द टिबेटियन प्रेयर फ्लैग. बहुत जरूरत है प्रेयर्स की. बहुत आगे जाना है, बहुत ग्रो होना है, बहुत कुछ चीजें करनी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, दिस बिहाइंड मी, दिस इज माय इंडिया सर्टिफिकेट. 24 आवर्स में 1610 किलोमीटर्स राइड करने के लिए ये मिलता है. हो गया था ऐसे ही उत्तराखंड से वापस आते वक्त. बट दिस इज नॉट परमानेंट ओवर हियर. ये प्लेस मैंने एक्चुअली रखा है सिल्वर बटन के लिए. जब भी 100 के टच करेंगे ना, सिल्वर बटन यहाँ पे आएगा. दैट्स माई ड्रीम. बहुत बहुत बड़ा ड्रीम है. एंड दिस इज द एंटायर वर्ल्ड. पूरा देखना है, पूरा कवर करना है. सो व्हाट यू से, इस पे ऐसे टिक करते जाएं जो जो एरियाज किए हैं, जो जो कंट्रीज कवर किए हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही अच्छा दिख रहा है, वो आप बताओ, आप सजेस्ट करो. सो प्रियंका फिर से गायब हो गई है. बट अभी ये कोई जादू नहीं है. एक्चुअली युवा को भूख लगी थी तो उसको लंच प्रिपेयर करने के लिए प्रियंका को जाना पड़ा. बट एज आई सेड, दिस vlog is not about celebrations, this vlog is not about anything else, but it's about an important announcement. तो announcement ये है कि जैसा आपको पता होगा, लद्दाख 2019 हमारी सीरीज अभी अभी खत्म हुई है. सेप्टेम्बर एंड में हम वापस आए थे. इनफैक्ट अक्टूबर 3 को हम वापस घर पहुंचे थे. बट द सीरीज लास्टेड टिल नाउ. लास्ट संडे 24 को लास्ट एपिसोड पब्लिश किया था. एंड नाउ वी आर प्लानिंग फॉर अ ब्रांड न्यू राइड. सो दिस न्यू राइड इज something unique. In fact, it's more of a cause ride. क्योंकि ये ride कहीं हम solo या हम दोनों ही नहीं करने वाले. In fact, Priyanka is not joining me on this ride. मैं अकेला जाने वाला हूँ. But it's not me alone. It will be 15 riders driving 6,200 kilometers in a span of 16 days. और ये ride है थ्रू द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. मतलब मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू बैंगलोर, एंड बैंगलोर टू बैक मुंबई. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. इट्स बीन अ ड्रीम. बट और भी स्पेशल ये बात है कि ये राइड हम किस लिए कर रहे हैं. वी आर डूइंग दिस राइड एज अ फंड रेजर फॉर भारत के वीर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. This ride is being organized by Rotary Club of India. Rotary Club के 100 साल इंडिया में पूरे हो रहे हैं. And celebrating 100 years of Rotary, they are organizing this ride for Bharat के वीर. कुछ आगे बोलू इससे पहले, just have a look at this. भारत के वीर जवान जे आहेत त्यांच्यासाठी आपल्याला काहीतरी करावं लागेल. यावर्षी रोटरीचं 100वा वर्ष आहे. रोटरी इंडियामध्ये त्यांनी आगमन केल्यानंतर आणि आपल्याला असं वाटतं की आपले जे नागरिक आहेत ते पंतप्रधानांनी पण सांगितलं की फिट इंडिया कॅम्पेन पाहिजे, तर तो फिट इंडिया कॅम्पेन राबवण्यासाठी as excited as I am for this ride. It's like actually I'm unable to express ki ye ride mere liye kitna maayne rakhti hai. And to be able to announce this special initiative on this day, mera birthday, hamari wedding anniversary, it's all like bahut bade coincidences hain. Bahut bahut acha lag raha hai. Anyways, the most important thing about this is it's a fundraiser. हम जितना राइड करने वाले हैं, as you saw just now, 5 लाख लोगों से हम मिलेंगे. It will be covered on social media. It will be covered on probably FM stations. It will be covered by various means. And this is all just to raise as much as possible for the families of our martyrs. जिन्होंने अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उनके घर वालों के लिए हमें कुछ तो करना है. सो द ओनली अपील दैट आई कैन मेक
sitting here is go and donate as much as possible. You can start with 99 rupees, that's the minimum amount, and you can go as high as possible. जितना कर सकते हैं, जितना हेल्प कर सकते हैं, जितना डोनेट कर सकते हैं, प्लीज करिए. दैट इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर दिस पीपल. उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, इनफैक्ट उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, बस उन्होंने अपने घर का चिरा, किसी ने अपने घर का चिरा, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना भाई खो दिया है हमारी सुरक्षा के लिए. तो हमें उतना तो करना चाहिए इनके लिए. प्लीज गो अहेड एंड डोनेट. द डोनेशन लिंक इज डाउन हियर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Please, please go and donate as much as possible. So I'll be starting this ride on 10th of December and it will go on till 26th of December. पहले दिन हम ride करेंगे बरोड़ा तक. आप में से कोई भी अगर मुंबई में है 10th December को free है तो आप हमारे साथ ride कर सकते हैं till वलसाड, till बरोड़ा और till any place that you wish to. बस join करिए, ज़्यादा से ज़्यादा numbers में हमारे साथ आइए, जुड़िए और हमें support करिए. So guys, that's it for today. अभी राइड की तैयारी भी शुरू करनी है एंड दिस इज 2 o'clock इन द नून. अभी शाम को थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन भी रहेगा फॉर द बर्थडे, फॉर द वेडिंग एनिवर्सरी, तो उसमें भी टाइम जाएगा. अभी ये व्लॉग एडिट करके आज के आज पब्लिश भी करना है तो अभी एडिटिंग के पीछे पड़ेंगे. वेल, ऑल इन ऑल दिस इज बीन अ बिजी डे और यहाँ से आगे भी ये दिन पूरा बिजी रहने वाला है. ये राइड 10 दिसंबर को शुरू होगी बट दैट डजंट मीन कि आज से 10 दिसंबर तक व्लॉग्स नहीं आएंगे. एवरी संडे 2 PM विल कीप कमिंग टू योर स्क्रीन्स विद समथिंग न्यू, अ न्यू एडवेंचर, सम न्यू नॉलेज. कुछ तो नया लेके आएंगे, कुछ तो हटके होता रहेगा काउंटिंग किलोमीटर्स पे. बट टिल द संडे स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स और बर्थडे विश करना मत भूलना और एनिवर्सरी भी, नहीं तो ये मारेगी मुझे. विश करो भाई, कमेंट करो.